कहते हैं ना कि बचपन सबसे बेहतरीन लाइफ का एक हिस्सा होता है, तो हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन जो हिस्सा था वो यहीं से गुजरा है। हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन आना हमें यहीं पे है। ये हमारे पिच हुआ करते थे, वहाँ पे बैटिंग करते थे, वहाँ से बॉलिंग होती थी। ये थोड़ा बहुत रनअप भी है जो वहाँ पे आने जाने का एरिया है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि नमाज का जो वक्त हो उस वक्त में हम लोग ना खेलें। तो जैसे ही भीड़ कम होती थी हम लोग शुरू हो जाते थे। बार बार गेंद अंदर जाती थी यहाँ पे गार्डन में, डायरेक्ट गेंद अंदर चली गई तो आउट है। अच्छा, तो आउट है। हाँ, तो आउट है। तो कोशिश करना होता है कि आप सीधा खेलें। इसके अलावा अगर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ना ये जो रस्सी है ना, ये एक्चुअली नाड़ा है, तो नाड़े को हम लोग करीबन इतना रखते थे, उसमें गेंद लगाते थे, सॉक्स में गेंद लगा के उसको बांध देते थे और यहाँ पे हम लोग नॉकिंग करा करते थे। ना आता था अभी था बच्चे को कि भाई अपने तो मस्जिद के झाड़ू मारने वाले हैं, अपनी तनख्वाह तो क्या है, 200-250 पगार है, और ये जो गेम है क्रिकेट, ये मालदारों की गेम है। वो ज़माने में 5,000-10,000 की कीमत के बूट आते थे, मैंने कहाँ से लाएंगे, मेरे पास से 50 रुपये ले जा रहे इरफान अब्बा, 50 दो मुझे बूट लाना है। तो हमारे यहाँ फ्राइडे शुक्रवार बाज़ार भराता था, तो जूने बूट लाता था इरफान, और घर में लाके उसको जो गोदड़े सीते उससे वो सीता था। तो मैं उसको बोलो कि तू भाई इस सुबह से सी रहा है, बार मोची है, ले जाता हूँ, नहीं मैं सी नाखता हूँ। तो इतनी पहले से इसमें सादगी थी दोनों भाइयों में। तेरह साल का था मैं यहाँ पे जब मैं आया पहली बार। हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि हम लोग जहाँ पे स्कूल का वक्त जो हमारा वक्त होता था वो ख़त्म हुआ कि हम पहला जो साइकिल ली वो सीधा यहाँ पे। अगर कोई रणजी ट्रॉफी का मैच हो गया तो हम लोग देखने के लिए भी बड़ा इन्जॉय करते थे। उस वक्त ऐसा लगता था कि मतलब एक नई जर्नी शुरू हो रही है। उस वक्त ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए हम ऐसी जगह पर, क्योंकि फैसिलिटीज़ वो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है ना। एक्साइटमेंट अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। मेरे वालिद वालिद हमेशा कहते थे कि आप कितने भी बड़े बन जाओ ग्राउंडेड हमेशा रहना, अपनी चीज़ों को मत भूलना, और हमेशा बड़ों से इज्जत से बात करना, और बेसिकली पैर ज़मीन पे रखना। जाहिर सी बात है हमारे वालिद वालिदा ने, पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे पड़ा है। तो आज मेरे भाई का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है वो इसीलिए।